रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान नगर परिषद क्षेत्र के रसीद चौक नगर वार्ड में। यहां पे जनता है हमारे साथ और ये समर्थक में उतरे हैं पूजा शाह। पूजा शाह का मैं कई बार इंटरव्यू ले चुका हूं, जब चुनावी दौरा में वो लगातार जनसंपर्क कर रही थी, जब चुनाव चिन्ह नहीं मिला था, लेकिन अब उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है। और बता दें आपको कि लगातार क्षेत्र भ्रमण करते हुए जो जनता है, जनता का दुख सुन रही है और हर एक समस्या से रूबरू हो रही है ताकि समस्या खत्म करना है। आपको बता दें कि नसीद चौक गाँव जो पहुँचे हुए हैं, ये गाँव पहले पंचायत में था, अब आ चुका है नगर में, नगर में जुट चुका है। तो इसके लिहाजे यहाँ पे काम बहुत है और काम बहुत होने के कारण यहाँ पे जनता चाहती है कि एक अच्छे उम्मीदवार की हम तलाश कर रहे हैं, जिसमें कि पूजा शाह उप सभापति का चुनाव लड़ रही हैं। उनके पति हैं संतोष कुमार शाह जी, जो लगातार कई वर्षों से क्षेत्र में बने हुए हैं और कहीं ना कहीं समाज के हित के लिए और यहाँ की जनता के लिए, यहाँ के परिवार के लिए वो कुछ सोच रहे हैं। और इस बार जो नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव हो रहा है, उप चेयरमैन का हो रहा है, वार्ड का चुनाव हो रहा है, उसमें कई से प्रत्याशी तो अपना अपना भ्रमण करते नजर आ ही रहे हैं, लेकिन नाम आ रहा है उप चेयरमैन में तो पूजा शाह एकदम कहा जाए कि डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, लोगों से मिल रही है, उनकी समस्या से रूबरू हो रही है और उनको दिलासा और संकल्प ले रही है कि हम इस बार चुनाव जीतेंगे और समाज के हित के लिए बड़ा काम करते नजर आएंगे। तो यहां देख सकते हैं कि उनका चुनाव चिन्ह मिल चुका है, जो चश्मा छाप जो क्रम संख्या चार पे है, प्रत्याशी का नाम पूजा शाह, क्रम संख्या चार पे है और चश्मा छाप है। तो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो समर्थक में घूम रहे हैं, गांव के लोग भी हैं, परिवार के लोग भी हैं। तो क्या चाहते हैं आप लोग, क्या अपील करेंगे जनता से और लोग से? अपील यही करेंगे कि पूजा शाह को हम सबसे भारी से भारी मतों से जिताए, विजय मिले। क्या कहेंगे आप? हम चाहें कि जितना भी हमारे सिवान का क्षेत्र का जो है पड़ता है नगर परिषद में, सबसे अपील करते हैं कि अपना कीमती वोट एक एक देकर और पूजा शाह को विजयी बनाएं। चलिए क्या कहें, घूमता नहीं बहुत अच्छा से घूमता नहीं कि पूजा शाह जीत जा। हाँ। चलिए संतोष शाह जी का नाम काफी चर्चा में है उप चेयरमैन में। हम बता दें आपको कि पूरे सिवान में किसी का नाम चर्चा नहीं आ रहा है, लेकिन उप चेयरमैन में सबसे ज़्यादा संतोष कुमार शाह का नाम आ रहा है और पूजा शाह का नाम आ रहा है। तो मैडम आइए आगे थोड़ा, ये मैडम आपका नाम काफ़ी चर्चा में है, सबसे ज़्यादा अगर उप चेयरमैन में बात करें तो चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ, उप चेयरमैन आप चुनाव लड़नी है और आपका नाम सबसे तेज में आ रहा है और आप चुनावी माहौल में सबसे आगे तेज दिखी जा रही हैं, वो चाहे कोई भी चैनल हो, बड़े बड़े चैनल में भी आप इंटरव्यू दे रही हैं और हर चैनल पर आप छाई हुई हैं, इसका कारण क्या रहा है? देखिए पहले तो हम सिवान के सभी जनता जनार्दन से यही कहना चाहेंगे कि पूजा शाह जो है हर घर हर डोर टू डोर जाकर अपना जनता से मिल रही है, जुल रही है और जनता पहचान रही है पूजा शाह का नाम से नहीं, पूजा शाह के चेहरा से जनता पहचान रही है। कोई भी प्रत्याशी आ रहा है लेकिन वो अपना पर्ची दे के चला जा रहा है, उनका चेहरा कोई नहीं दिख रहा। तो लेकिन आप दुख सुन रही हैं जनता का, जनता के बीच जा रहे हैं, उनका प्रॉब्लम समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं। हाँ। और समस्या खत्म करेंगी आप? हाँ जरूर, संकल्प लेती हैं आप? जरूर खत्म करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ संतोष साहब भी जुड़े हुए हैं, उनकी धर्म पत्नी चुनाव मैदान में उतरी हैं और कहना ये होगा जिस तरह से वो बेबाकी से बात कर रहे हैं कि हम समाज के लिए, जनता के लिए और पूरे नगर परिषद क्षेत्र के वासियों के लिए एक बड़ा काम करेंगे चुनाव जीतने के बाद से। 28 दिसंबर को चुनाव है, चुनाव चिन्ह मिल चुका है, क्रम संख्या हो चुका है, चार पे चुनाव चिन्ह मिला है चश्मा साहब और लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, इनके हस्बैंड भी हैं जुड़े हैं और इनका भी नाम कहीं ना कहीं दर्ज हो चुका है समाज सेवा के नाम पर। संतोष जी आप बहुत अलग तरीके से अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, चुनाव चिन्ह मिलने के बाद भी और चुनाव चिन्ह पहले नहीं मिला तब भी आप सबसे ज़्यादा, अगर कोई बात करें तो हम लोग सर्वे खुद कर रहे हैं कि सबसे ज़्यादा अगर संपर्क कोई कर रहा है उप चेयरमैन में तो आपका नाम दर्ज हो चुका है। कई से लोग भी कह रहे हैं कि इतना मेहनत करने वाला शख्स कोई नहीं है, ये आप मानते हैं कि बात सही है ना? देखिए हम लोग अपना से जो होता है आदमी कोशिश करता है कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके, चाहे उसका दुख दर्द समझ सके, उसके पास सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कैसे अगर हम नहीं जाएंगे उसके पास तो कैसे पता चलेगा, इसलिए हम लोग भर से कोशिश कर रहे हैं कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुँचें। संतोष शाह जी जिस तरह से आप लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं और इतनी बड़ी एक जनसलाभ
आपका निकला है और चुनाव चिन्ह भी नॉमिनेशन के दिन भी और उसके पहले भी, तो एक कहना तत्पर ही होगा कि आप चुनाव जीतने का जो मकसद बना चुके हैं, जीतने के बाद से सबसे बड़ा आपका अहम भूमिका क्या होगा समाज के लिए, सिवान नगर परिषद क्षेत्र के लिए क्या बदलाव करेंगे आप? देखिए, जो भी नया नया अभी गांव जुड़ा हुआ है, अभी हम जिस क्षेत्र में है क्षेत्र में ठीक है, यहाँ है ना, पहले पंचायत में था तो यहाँ नगर परिषद में जुड़ा है, लेकिन अभी समस्या यहाँ है रोड नाला नाली स्ट्रीट लाइट जी, अभी स्ट्रीट हम लोग देख रहे हैं अंधेरा, इसी के कारण बोल रहा है स्ट्रीट लाइट की यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि लगे कि हम नहीं, हम गांव से नहीं, हम शहर से जुड़े हुए हैं। मतलब आपका कहना है कि जो नगर में अब गांव जुड़ा हुआ है, उस गांव को अब सौंदर्यकरण करना है, सब कर देना है, जगमग करना है हर चीज में, चाहे शौचालय का हो, नाला का हो, रोड का हो, शिक्षा पे हो, बेरोजगारी योजना आएगी उसमें हम एकदम ईमानदारी से ईमानदारी पूर्वक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कोशिश करेंगे कि योजना का लाभ मिल सके। चलिए, देखिए इन्होंने कह दिया कि अंतिम व्यक्ति का तत्पर इन्होंने इसलिए दिया है कि जो निचले स्तर से जो लोग होते हैं समाज के लिए, वो कहीं ना कहीं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको मार्गदर्शन मिलना चाहिए, उनको शिक्षा मीन्स हर चीज़ का उनको नॉलेज मिलना चाहिए, वो चाहे उनको कोई भी उनकी आवाज़ हो सरकार तक आवाज़ पहुंचे, और ऐसा इनका मानना है कि समाज के हित के लिए और जनता के लिए और इस पब्लिक के लिए बड़ा काम करेंगे। अब देखना होगा चुनाव जीतने के बाद ये किस तरह से काम करते हैं। आइए और भी कई ऐसे लोग हैं जो क्षेत्र में उनके साथ भ्रमण, यहाँ पर कुछ महिलाएँ भी हैं जो कि आइए क्षेत्र में क्या विकास चाहिए बताइए लोग। अरे कोनो बात नहीं खे, अथी ना बाबे इलाज श्रम का जो पूरा दुनिया होता है अथी पे घर मने जैसे रोड पे चाहे लाना चाहिए, शौचालय कमी बा, शिक्षा कमी बा, लड़का पढ़ाई तक नहीं बताएं तब नू सरकारों देखती है, सरकारों कहीं ना कहीं जाए मान ली पूरा लोग जानी कि भाई ये क्षेत्र में कमी का बा नहीं खे बोते है कोनो बात नहीं खे। बहुत लोग देखिए गांव के लोग ऐसा होता है नहीं बात करना था, अभी गांव गांव जैसा माहौल है और शहरी क्षेत्र में आया हुआ है लेकिन अभी भी गांव जैसा माहौल है, और लेकिन अच्छी बात है कि अभी बहुत सारे लोग अपने कर्तव्य को नहीं जानते हैं लेकिन कर्तव्य को जानना चाहिए। तो हम बता दें आपको कि आप लोग का जो प्रयास है वो हमारा एक प्रयास है कि कोई भी प्रत्याशी हो समाज के लिए काम कर रहा है। देखिए पोस्टर भी लग रहा है, पोस्टर बैनर भी लग रहा है और यहाँ पर क्रम देखिए, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में लगातार वो चीज़ हो रहा है और पूजा शाह का नाम काफ़ी आगे हो रहा है। प्रत्याशी की बात करें उप चेयरमैन में, तो पूजा शाह का नाम काफ़ी आगे निकल रहा है और ये चीज़ बड़ी मतलब अहम भूमिका है कि जिस तरह से पूरे सिवान शहर में, पूरे सिवान नगर परिषद क्षेत्र में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो कि चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और अपना अपना जनसंपर्क कर रहे हैं, लेकिन उस दौर में संतोष शाह जो अपनी धर्म पत्नी को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और जिस तरह से चुनाव का जब बिगुल बजा, और बीच में एक और चीज़ बताना चाहूँगा, बीच में जब चुनाव ठप पड़ा हुआ था, चुनाव आयोग ने चुनाव को स्थगित करने का एक फैसला लिया था कुछ दिनों में, लेकिन जैसे ही चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि चुनाव होगा 18 दिसंबर को और 28 दिसंबर को, दो चरण में मतलब चुनाव होने जा रहा है सिवान जिला की बात करें, तो जितने जो नगर पंचायत है और ये सिवान नगर परिषद है, लेकिन नगर पंचायत की 18 दिसंबर को चुनाव होगा और उसके बाद से 28 दिसंबर को सिवान नगर परिषद का चुनाव होगा, तो यहाँ लोग भी हैं, जनता भी हैं, तो जिस तरह से एकदम कहा जाता है कि हर एक घर में हर एक लोगों से उनकी समस्या को रूबरू होकर जनता से मिलकर पूजा शाह और संतोष शाह उनके साथ में समर्थक लोग लगातार उनके समर्थक लोग का मिल रहे हैं देख रहे हैं, और ये जिस उम्मीद से, जिस एनर्जी से, जिस जोश से ये लोग काम कर रहे हैं, लग रहा है कि ये जब जीतेंगे तो क्षेत्र का और अपने नगर वार्ड का विकास करने में अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि उप चेयरमैन पद जो होता है ये विपक्ष का एक काम करता है, अगर चेयरमैन काम सही नहीं करता तो उसको सही नहीं, ये उस पर विपक्ष का काम करेंगे और जो फंड आता है वो भी काम ये तरीके से करेंगे, ऐसा इनका मानना है। हम चाहेंगे कि आप लोग देखिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमारी टीम लगातार सर्वे करते रह रही है, हर एक प्रत्याशी से मिल रही है, चाहे कोई भी हो, हर एक दल से मिल रही है और उनके उनके बातों को, उनके विचारों को, उनके मुद्दों को लेकर जनता के पास पहुंचा रही है। धन्यवाद, थैंक यू।